सारी लेके आई हूँ, वो भी एक पुरानी बोतल की यूज के साथ और फूल की यूज के साथ। इसके साथ हम जो है एक फ्लावर और साथ ही उसका वास बनाएंगे। ये देखिए, ये DIY बनाने में बहुत ही इजी है, बहुत ही कम चीज़ों के साथ बना हुआ है और बहुत ही प्यारा लुक देता है। ये देखिए आप, हमने इसमें कोई भी सपोर्ट नहीं दिया हुआ है, ये खुद ही सेल्फ सपोर्ट पे खड़ा है। और देखिए ये कितना प्यारा जो है हमारा फ्लावर और वास बन के तैयार हुआ है। तो चलो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक बॉटल ली हुई है, आप इससे बड़ी भी ले सकते हैं या इससे छोटी भी ले सकते हैं। हमने ये है जो है इस साइज़ की बॉटल ली है। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से हम इसे पकड़ लेंगे और यहाँ से अपनी सीजर की हेल्प से इसे हम इस तरीके से कट कर देंगे। कट कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जो है हम स्ट्रिप्स काट लेंगे इस तरीके से। ऐसे हम जो है इसकी स्ट्रिप्स काट देंगे। बोतल का हाफ पोर्शन ले लिया है, इसे अब हम यहाँ से जो है कट करेंगे। जो है मोड़ दिया है, अब हम क्या करेंगे, अपना ये वाला एक पोर्शन लेंगे और इसके बीच में हम इसे इस तरीके से डाल देंगे। अब दूसरा वाला लेंगे, उसे भी हम इस तरीके से इसके बीच में डाल देंगे। ये देखिए हमने इसे जो है फिक्स कर लिया। इसमें जो हमारे पास बोतल का पोर्शन बचा हुआ है, अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से हम इसे कट कर देंगे ट्रायंगल की शेप में। ये देखिए हमने इसका जो है ट्रायंगल का एक शेप कट कर दिया है। इसी तरीके से हम इसे ट्रायंगल की शेप देते जाएंगे। कमल के फूल की एक शेप दे दी है, ट्रायंगल में कट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे इधर पे इसे हम एक होल कर देंगे इसके इस तरीके से। आप चाहें तो नाइफ की हेल्प से इसे गर्म करके भी होल कर सकते हैं या सीजर से भी इस तरीके से इसे होल कर दीजिए। यहाँ पे सेंटर में होल कर दिया है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बचा हुआ है ये शीट, ये इसके अंदर हम इस तरीके से डाल देंगे। इस तरीके से हम इसे फिक्स कर देंगे, लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर से अपना ये इस तरीके से अटैच कर लेंगे। ये देखिए इससे क्या होगा, हमारा जो वास है बिल्कुल क्योरली स्टैंड हो जाएगा। अब आप कोई सा पेज ले लीजिए या कोई सा भी अपना बुक ले लीजिए, उस पर क्या कीजिए, अपना जो आपका वूल है, जो भी आपने लेना है, उसे इस तरीके से आप उस पर रोल कर दीजिए। आपने इसे जो है 20 राउंड्स देने हैं। इसके लगा दिए हैं, अब हम इसे यहाँ से जो है कट कर देंगे, इसमें से इसे निकाल देंगे, इस तरीके से इसे रख देंगे। अपना धागा ले लेंगे हम इस तरीके से लंबा सा। अब हम जो क्या करेंगे, अपनी जो है 2 फिंगर्स यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और इसे जो है यहाँ पे टाई कर देंगे 2 फिंगर के डिस्टेंस में। हम इधर से इसे टाई कर देंगे। इसी तरीके से एंड तक हम इसे जो है 2 फिंगर की डिस्टेंस में टाई कर देंगे सारे को। 2 फिंगर की डिस्टेंस में जो है टाई कर लिया, अब हम इस तरीके से इसे कट कर देंगे। इसी तरीके से जो है हमें 21 जो है पॉम्पॉम रेडी कर देने हैं अपने। सारे पॉम्पॉम रेडी कर लिए हैं हमने, यहाँ पे जो है डबल कलर के पॉम्पॉम लिए हैं हमने बनाए हैं। इस तरीके से हम लेंगे अपना अपना धागा लेंगे और इस तरीके से जो है हम इसके ऊपर लगा के पीछे से इसको एक नॉट लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, आप क्लिप से भी चिपका सकते हैं या इस तरीके से भी चिपका सकते हैं। इसी तरीके से हम अपने सारे पॉम्पॉम जो है इस पर अटैच कर लेंगे।
ये देखिए हमने जो है अपने सारे फ्लावर्स इसके साथ अटैच कर लिए। देखिए हमारे वास की शेप कुछ इस तरीके की आएगी, इसका लुक कुछ इस तरीके का आएगा। ये बन के बहुत ही प्यारा आता है और कुछ ही चीज़ों के साथ हमने इसे बनाया है। एक तो रोल और जो है हमारे पास पुरानी बोतल पड़ी हुई थी उसकी यूज़ के साथ बनाया है। ये देखिए ये स्टैंड भी खुद ही हो रहा है, हमने इसके साथ कोई भी सपोर्ट नहीं लगाई है। ये देखिए ये बन के बहुत ही प्यारा आता है। आप इस DIY को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा ये DIY अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।